सत्याकाल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज की जो हमारी रिएक्शन वीडियो है वो है हज़रत मोहम्मद जो पैदा हुए थे उससे पहले का वाकया। तो ये जो है बीबी आमिना का वाकया है, जो इसके टाइटल में लिखा है बीबी आमिना का वाकया। और इसमें जो आई गेस कि वो चीज़ बताई गई होगी कि अपने बर्थ से पहले जब हज़रत मोहम्मद अपनी माँ के पेट में थे तो उस टाइम पे क्या एक्सपीरियंस था उनका, या मतलब क्या था, मतलब वो जब हम इस वीडियो को देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसमें एग्जैक्टली क्या मेंशन किया गया है। बिकॉज इसके टाइटल में तो यही लिखा हुआ है हज़रत मोहम्मद जब अपनी माँ के पेट में थे, पैदाइश से पहले का वाकया, बीबी आमिना का वाकया हिंदी में। तो ये नूरे हदीस चैनल है जहाँ का ये वीडियो है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हज़रत मोहम्मद के पैदाइश से पहले वाला वो वाकया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उस वक्त का वाकया बताने वाले हैं जब आप अपनी माँ हज़रत आमिना के पेट में थे। इस वीडियो में हम आपको पूरे 9 महीनों की दास्तान बताने वाले हैं, इसीलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, हम जो वाकया आपको बताने वाले हैं ये वाकया उस वक्त का है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ हज़रत बीबी आमिना के पेट में थे। हज़रत बीबी आमिना फरमाती है कि मेरा पहला महीना चल रहा था कि एक दिन सुबह का सुहाना वक्त था, मेरे घर के सारे दरवाजे बंद थे, मेरी आँखें खुली हुई थी कि अचानक से मैंने देखा कि मेरे घर में एक नूरानी शख्स दाखिल हुआ और मेरे सामने आ गया। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई और मैंने घबराकर पूछा कि आप कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो? तो आने वाले उस शख्स ने फरमाया, ऐ आमीना, अल्लाह ने मुझे आपको खुशखबरी देने के लिए भेजा है। आपको मुबारक हो, आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अगलों का भी सरदार होगा और पिछलों का भी सरदार होगा। तो ये सुनकर बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप हो कौन? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत आदम है, अल्लाह ने मुझसे कहा कि जाकर यह खुशखबरी आमिना को दे दो, मैं हमेशा के लिए तुमसे राज़ी हो जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत बीबी आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा दूसरा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। पहले वाला नूरानी चेहरा अलग चमक रहा था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था, तो अब वाला चेहरा उससे ज़्यादा चमक रहा था। मैंने घबराकर पूछा कि आप कौन हो? तो आने वाले नूरानी शख्स ने फरमाया, ऐ आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है अल्लाह उसको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाने वाला है। तो बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ने मुझसे कहा है कि ऐ नूह, जाकर आमिना को यह खुशखबरी दे दो, हम जन्नत में तुम्हारे लिए रास्ता बनाते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा तीसरा महीना शुरू हुआ। वही मंजर था, सुबह का सुहाना वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार मैंने बगैर घबराए हुए कहा कि कहो, क्या बशारत देने आए हो? तो आने वाले नूरानी इंसान ने फरमाया कि ऐ आमिना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका मुकाम बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा कि कयामत के दिन वो जिसकी तरफ इशारा करते जाएंगे अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ करते जाएंगे। तो बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती है उसके बाद मेरा चौथा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा, ऐ आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही अल्लाह का आखिरी नबी है, इसके बाद में इस दुनिया में कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला है। तो बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब मिला कि मेरा नाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है।
प्यारे दोस्तों, हजरत आमीना फरमाती है, उसके बाद मेरा पांचवा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा, ऐ आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही दुनिया का सरदार होगा, नबियों का सरदार होगा, और इस बच्चे से बढ़कर कोई और पाक दामन नहीं होगा। तो ये सुनकर बीबी आमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हजरत हूद अलैह सलाम है। प्यारे दोस्तों, हजरत आमीना फरमाती है कि उसके बाद मेरा छठा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी शक्ल मेरे सामने आ गई और मुझसे कहने लगी, ऐ आमीना, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे पेट में जो बच्चा रखा हुआ है वो अल्लाह का महबूब भी बनेगा और अल्लाह का दोस्त भी बनेगा। तो ये सुनकर बीबी आमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, मैं खलीलुल्लाह हूँ, लेकिन ये बच्चा मेरे से भी बड़ा खलीलुल्लाह होगा। प्यारे दोस्तों, हजरत आमीना फरमाती है कि उसके बाद मेरा सातवां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुनहरा वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा, ऐ आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो खलीलुल्लाह होगा, वो अल्लाह से सीधा कलाम करेगा। अल्लाह से बातें तो हजरत मूसा ने भी की थी, लेकिन हजरत मूसा और अल्लाह के बीच में 70,000 पर्दे थे, लेकिन तुम्हारा ये बच्चा जब अल्लाह से बात करेगा तो कोई भी पर्दा नहीं होगा। तो ये सुनकर बीबी आमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत इस्माइल है। दोस्तों, हजरत आमीना फरमाती है कि उसके बाद मेरा आठवां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा, ऐ आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मुर्तजा होगा, वो मुस्तफ़ा होगा, जिसे अल्लाह राजी होगा। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसको अल्लाह ने सबसे साफ सुथरा बनाया है। तो ये सुनकर बीबी आमीना पूछने लगी कि आप कौन हो? तो जवाब आया कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। प्यारे दोस्तों, हजरत आमीना फरमाती है कि उसके बाद मेरा नौवा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार जो नूरानी चेहरा मेरे सामने आया वो ऐसे आया कि जैसे कि वो अभी गुसल करके आया हो। उनके बाल मुबारक से पानी की कतरे टपक रही थी। आने वाले ने फरमाया, ऐ आमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह तमाम इंसानों का सरदार होगा, जिन्नातों का सरदार होगा, फरिश्तों का भी सरदार होगा, और यही नहीं, अल्लाह ने फरमाया है कि वह तमाम नबियों का भी सरदार होगा। तो ये बात सुनकर हजरत आमीना ने फरमाया, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब आया, मेरा नाम हजरत ईसा है, मैं एक नबी भी था और इस नबी का उम्मती भी हूँ। इसी तरह से दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ हजरत आमीना के पेट में थे तो एक रोज़ आपकी दादी ने आपके दादा को इशारा करके बुलाया और कहने लगी कि क्या आपको पता है कि ये बहू आमीना बहुत महंगा इत्र लगाती है, मैं तो बड़ी परेशान हो चुकी हूँ, आप जरा आमीना से इसके बारे में पूछिए। तो ये सुनकर आपके दादा ने कहा कि इस बारे में तू ही पूछ लेती तो तूने क्यों नहीं पूछा? तो आपकी दादी ने कहा कि मैं अब आपको क्या बताऊँ, मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैं आमीना के सामने जाती हूँ तो उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूँ। आमीना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ पूछ नहीं पा रही हूँ, आप ही जाकर पूछ लीजिए। ये सुनकर आपके दादा ने कहा कि तू तो औरत जात है, घर में ही रहती है, लेकिन मैं तो मर्द हूँ, घर से बाहर रहता हूँ, मक्का में मैं कुरैश का सरदार हूँ, जो भी मुझसे मिलता है वो पूछता है, अब्दुल मुतल्लिब, तुम्हारे घर में इतनी इत्र की बारिश कहाँ से हो रही है? और हाँ, एक बात और ये है कि इत्र की खुशबू भी वहीं से आती है जहाँ आमीना जाती है। अगर आमीना रसोई घर में जाती है तो खुशबू वहाँ से आती है, अगर गुसलखाने में जाती है तो खुशबू वहाँ से आती है, अगर ये थूकती है तो खुशबू वहाँ से आती है, और ये कोई मामूली इत्र भी नहीं है, ये कोई इराक या मिस्र का इत्र नहीं है, ये तो कोई ख़ास ही इत्र है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब ने हिम्मत करके आमीना को बुलाया और कहने लगे, बेटी आमीना, तुझे पता है कि मैं कुरैश का सरदार हूँ, मैं खाने काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जत वाला हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐ अब्दुल मुतल्लिब,
तेरे घर से इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है? बेटी आमीना, एक बात बताओ, मैं तो इत्र नहीं लगाता, तुम्हारी माँ भी ये इत्र नहीं लगाती, तो ये इत्र तू लाती कहाँ से है? तो ये सुनकर हजरत आमीना के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, अब्बा जान, अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी कोई इत्र नहीं लगाया है, मुझे अच्छे और बुरे इत्र की पहचान नहीं है, मैंने आज तक किसी भी इत्र वाले से इत्र नहीं खरीदा। लेकिन अब्बा जान, मैं आपको एक बात बताऊँ, उसके बाद हजरत आमीना ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, अब्बा जान, ये सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है, आपने तो ये सिर्फ खुशबू महसूस की है, अगर मैं आपको कुछ और बताऊँ तो आप मुझे दीवानी कहोगे, ये सूरज कई मरतबा मुझको सलाम करता है, ये चांद कई मरतबा मुझको सलाम करता है, और यही नहीं, जब मैं सो जाती हूँ तो ऐसी ऐसी औरतें जिनको ना कभी आपने देखा है और ना कभी मैंने देखा है, ऐसी ऐसी औरतें सामने खड़ी होकर मुझे हवा करती है, सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के सपने भी दिखाई देते हैं, और सपने में कुछ ऐसे अननोन चेहरे दिखाई देते हैं जिनको हमने पहले अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होता। ये कई बार सुना है कि ऐसा कई लोगों के साथ में होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो ये चीज़ एक्सपीरियंस करती हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उन्हें या तो कई बार कुछ जानवर दिखाई दे जाते हैं, जैसे कि सांप हो गए, या कभी शेर वगैरह अपने सपने में दिखाई देते हैं। मीन्स मैंने ये जैसे ऑनलाइन भी कई बार कुछ आर्टिकल्स पढ़ो ऐसा कि ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऐसे सपने क्यों आते हैं, तो उसके अलग अलग रीजंस दिए होते हैं कि ये है वो है, बट अगर डॉक्टर से भी चेक करो कि मतलब सिर्फ प्रेगनेंसी में ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, तो वो बताते कि बस हार्मोनल चेंजेस की वजह से या मन में कई चीज़ें चलती रहती हैं उनकी वजह से कुछ कुछ ऐसे सपने आ जाते हैं। बट जो बीबी आमीना को सपने आते थे उनका सच में कहीं ना कहीं हकीकत से कुछ लिंक था, बिकॉज़ हम सबको पता है कि हज़रत मोहम्मद जो है बाद में इस दुनिया के लिए नबी बने, जो कि आखिरी नबी हैं, और इसीलिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जितने भी नबी थे उन सब ने बीवी आमीना के, ऑलमोस्ट सारे नबी बीवी आमीना के सपने में आए थे, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आते रहे थे, हर महीने में कोई ना कोई आता था, जैसे ही नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता था कोई ना कोई बीवी आमीना के सपने में आते थे, और वो उनको बता के जाते थे कि आपका जो होने वाला बेबी है, जो आपके अंदर एक बेबी बन रहा है, तो वो आने वाली जो उम्मत है उन सबको लीड करेंगे या उनके नबी बनेंगे, और मतलब ये सारी उन्हीं की उम्मत होगी। तो ये मतलब बीवी आमीना ने किसी से डिस्कस भी नहीं किया कि मुझे ऐसे सपने आते हैं, बिकॉज़ जैसे लास्ट में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने फादर इन लॉ से जब बात हो रही थी तब उनको बोला था कि मतलब अगर मैं आपको बताती भी हूँ ये बातें तो आप मुझे दीवानी बोलोगी कि मतलब ये क्यों हो रहा है, ये ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, बिकॉज उस टाइम पर उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि मतलब वो एक ऐसे बच्चे को जन्म देंगी जो कि इतने बड़े नबी बनेंगे और मतलब पूरी दुनिया में उनका नाम होगा। तो और जो खुशबू वाली बात है कि इतनी फ्रेगरेंस उनसे आती थी, वो कुछ इत्र भी नहीं लगाती थी, फिर भी ये पूरा घर है मतलब इतनी ज़्यादा फ्रेगरेंस होती थी कि जो आसपास के लोग हैं उन्होंने भी उनके फादर इन लॉ को बोला था कि आपके घर से इतनी ज़्यादा खुशबू क्यों आती है। तो ये सब आई गेस कि इसीलिए हो रहा था क्योंकि हजरत नबी आने वाले थे इस दुनिया में। और इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में तो मुझे नहीं पता कि मतलब ये हो सकता है ये भी कुरान में कहीं पे मेंशन किया गया हो कि ये वाकया भी हुआ था उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि हो सकता है बाद में बीबी आमीना ने किसी से डिस्कस किया हो, और जब बीबी आमीना नहीं भी रही थी तो, और बाद में जब वो सब चीज़ें हकीकत हुई तो लोगों ने बताई हूँ कि बीबी आमीना ने पहले भी ये चीज़ें हमसे डिस्कस की थी कि उनके साथ में ऐसा होता था या उन्होंने ये सब एक्सपीरियंस किया था ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बिकॉज बीबी आमीना तो बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़ गई थी जब हजूर सिर्फ 6 ईयर्स के थे, और उस टाइम तक बीबी आमीना को भी ये चीज़ नहीं पता चली थी कि मतलब ये वाकई नबी बनने वाले हैं इन फ्यूचर, मतलब जब वो अपनी एज में पहुंचेंगे बड़े होंगे तो वो इस पूरी दुनिया के पैगंबर होंगे। और हो सकता है कि उन्होंने पहले किसी से किसी और से ये चीज़ें डिस्कस की हो और बाद में
ये चीज़ें कुरान में मेंशन की गई हों और वहीं से इन लोगों ने ये चीज़ पढ़ के मेंशन की है कि बीबी आमिना का ये एक्सपीरियंस था ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मगर जो भी है प्रेगनेंसी के दौरान, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कुछ भी नहीं होता है, कई बार बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं और लेडीज़ के साथ में। कई बार उनको फैमिली में ही जो बहुत पहले लोग गुजर गए हैं वो लोग उनके सपने में आते हैं, कुछ ना कुछ मैसेज दे के जाते हैं या ऐसे ही आ जाते हैं कुछ भी रैंडमली। कुछ कई बार तो याद भी नहीं रहता कि कुछ उन्होंने क्या बोला था, बट होता है कि ये इंसान इतने साल पहले मतलब इस दुनिया को छोड़ गया, बट फिर भी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसका सपना आता है। तो ये इस टाइप के कुछ ना कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, हर किसी के साथ अलग एक्सपीरियंस होते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर लेडी को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऐसे सपने आते हैं, हर किसी का अलग एक्सपीरियंस होता है। और आज की इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। बाय।